गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गढ़वा के व्यवहार न्यायालय की ओर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई के खिलाफ अवैध बालू का कारोबार करने के आरोप में वारंट जारी किया गया है। गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के खिलाफ अब गिरफ्तारी का तलवार लटकने लगा है। पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के खिलाफ व्यवहार न्यायालय गढ़वा की ओर से गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया गया है। गढ़वा के विधायक और झारखंड सरकार में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के खिलाफ दायर मानहानि केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास की अदालत ने तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस संबंध में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी के अनुसार मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने परिवाद के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट विजय कुमार दास की अदालत में पूर्व विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संज्ञान लेते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत नोटिस जारी किया था। नोटिस लेने के बावजूद भी पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट विजय कुमार दास ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है। पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई पर बालू का अवैध कारोबार करने, उसमें कमीशन लेने और टेंडर मैनेज करने का भी आरोप लगाया था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और उसके भाई की छवि को खराब करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों से आहत होकर मिथिलेश ठाकुर ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। ऐसे में मिथिलेश ठाकुर के मानहानि याचिका को देखते हुए अब पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर गिरफ्तारी की तलवारी लटक रही है। ऐसे में देखना होगा कि आगे सत्येंद्रनाथ तिवारी गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या कदम उठाते हैं। मुखर संवाद के लिए गढ़वा से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।